इन दिनों सोशल मीडिया में एक वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे ये लिखकर वायरल किया जा रहा है कि झांसी से उमा भारती का टिकट कटने के बाद कैसे उमा भारती ने बीजेपी की सच्चाई सबके सामने रख दी। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दरअसल ये वीडियो तकरीबन 10 साल पुराना है, जिसे 2014 में कांग्रेस ने चुनाव के समय जारी किया था। तब भी चुनाव का समय था और एक बार फिर ये चुनाव का ही समय है जब ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। पहले एक बार आप इस वीडियो को सुने, फिर इसके बाद हम आपको इसकी और आगे की सच्चाई बताएंगे। जब साधुओं की हत्याएं हो रही हों, जब औरतों के गले कट रहे हों और बलात्कारियों का पता नहीं लग रहा हो, तो हिंदुत्व का एजेंडा और विकास का एजेंडा, ये दो बातें हैं जो प्रोजेक्शन पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने अपना करने की कोशिश की है। मैं अपने मोटा भाई को, मैं उनको मोटा भाई कहती रही हूं, मैं उनको 73 से जानती हूं, मुझे उनके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। मैं ऐसा मानती हूं कि नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष है, और उन्होंने गुजरात का विनाश किया है। और वो जो जीडीपी का दावा कर रहे हैं वो फर्जी है। वो जो बीपीएल का दावा कर रहे हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की संख्या यहां घटी है, मैं नरेंद्र मोदी को कहूंगी कि मेरे साथ वो एक गांव में चले जहां बीपीएल की लिस्ट बनी है, और मैं उनको बताऊंगी कि वो लिस्ट कितनी फर्जी है। बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लोग उठ गए हैं और बीपीएल की जगह एपीएल लोग हो गए हैं। ये पूरा का पूरा मामला फर्जी है और ये दिखाने के लिए किया गया है कि गुजरात ने बहुत विकास किया है। मुझे जानकारी हुई है कि गुजरात इन 5 सालों में दुगना कर्जदार हुआ है। गुजरात के ऊपर जितना पहले ड्राफ्ट ओवर ड्राफ्ट था वो ठीक दुगना हो गया है। तो विकास कहां हुआ? विनाश हुआ। स्त्री भी असुरक्षित हुई और हिंदू और मुसलमान दोनों भयभीत रहे, तो लॉ एंड ऑर्डर कहां हुआ? इसलिए ना हिंदुत्व ना रोटी, ना राम ना रोटी, गुजरात को दोनों ही नहीं मिले, को विनाश पुरुष से मुक्ति दिलाई जाए। जिस समय ये भाषण उमा भारती ने दिया था, उस समय उमा भारती भाजपा से अलग हो चुकी थी और उमा भारती जनशक्ति पार्टी की अध्यक्ष हुआ करती थी। लेकिन 10 साल पुराना उमा भारती का ये भाषण एक बार फिर तेजी से लोग वायरल कर रहे हैं, बिना ये समझे कि ये वीडियो कितना पुराना है। लोग कैप्शन में लिख रहे हैं कि 2019 के चुनाव में जैसे ही उमा भारती का टिकट झांसी से कटा, तो उमा भारती ने पार्टी की असलियत सबके सामने रख दी। लेकिन ये भी समझना आपके लिए बेहद जरूरी है कि शेयर करने से पहले किसी भी वीडियो या खबर की सच्चाई जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये ना आपके हित में होगा और ना ही देश हित में होगा। तो कोई भी खबर या वीडियो शेयर करने से पहले एक बार उसकी सच्चाई को जरूर जानें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक करें।